नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस समय आप हमें चैनल नंबर 6, 9 और चैनल नंबर 12 पर देख रहे हैं। ये हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम की, और इसमें हम जो स्कूल्स में एफर्ट्स किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, जिस लीडरशिप प्रोग्राम की बात करने जा रहे हैं, वो है मिजोरम से, यानी नॉर्थ ईस्ट से। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीडरशिप ऑफ स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट इन मिजोरम। आप भी इस वंडरफुल, मुझे लगता है जो हमारा आज डिस्कशन होने जा रहा है उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें 8800440559 पर फोन कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, फील फ्री टू कॉल अस। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं NCSL NCERT की ओर से डॉक्टर पूजा सिंघल। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पूजा जी नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द सेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड नो अबाउट द मिजोरम। तो हमारे साथ जो आज हमारे खास मेहमान हैं, उनका नाम है जयंत नाथ माजी। आप हेडमास्टर हैं गवर्नमेंट केफांग हाई स्कूल विलेज केफांग, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेचुल में है, जो कि वहाँ की स्टेट कैपिटल ऐज़वाल से भी काफ़ी दूर है। 80 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है। तो जयंत जी नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द सेशन। When we talk about Northeast, these are the far-flung areas. बहुत ऐसा लगता था कि इंडिया से बाहर ही है, दूर है, बट लेकिन अभी मुख्य धारा में वो सब जुड़ रहे हैं, मेन स्ट्रीम जिसे हम कहेंगे। और ये हमारी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, टॉप टू बॉटम हम कहेंगे, सब उसी काम में लगे हुए हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट दी फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसमें भी काफ़ी सारी काम हो रहे हैं। अब ये जैसे आपने अभी हमने इंट्रोडक्शन भी किया जयंत जी का, वो जो है मिजोरम से हैं, तो आप जो वहाँ का एक स्टेट का सिनेरियो है उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम में? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है राहुल जी। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, तो मिजोरम जो है इट इज़ अ ट्रूली स्टेट विच प्रेजेंट इट्स रियली सेट्स एन एग्जाम्पल दैट इज नो स्टूडेंट शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो दैट मीन्स हर एक बच्चे तक शिक्षा को पहुँचाना है, और ये तभी पॉसिबल हुआ है जबकि बेसिक जो एजुकेशन है वो वहाँ मिजोरम में इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। देन ओनली वन स्टेट कैन प्रेजेंट सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल। एंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ मिजोरम इज रियली वन ऑफ द बेस्ट वी कैन से। एंड द लिटरेसी रेट ऑफ मिजोरम इज 91.58 एंड इट मेक्स द थर्ड मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ द इंडिया। And I can say that after the establishment of the Directorate of Education in SCERT, they have contributed much in the area of the education. And when we talk about the educational status of any state, and here I want to share that the performance grading index is there, one index is there, which is very important to understand. And it basically gives us an insight about the status of the education, basically the status of school education in different states and the UTs. And basically this particular grading index is prepared by Ministry of Education. And it is based on five important domains. One is the learning and outcome equality, access, equity, and infrastructure facilities, and governance process. So, अगर हम इसकी बात करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स की, तो मिजोरम जो है उसका जो स्कोर है आउट ऑफ 1000 इट इज 723 अकॉर्डिंग टू 2019-20 रिपोर्ट। So we can say that still scope is there for the improvement in the education status. Yes. Although we know that this is the third most literate state in our country, but this all depend on the school leaders and their capacity, and we can say that attributes of the school leader, and that we are going to learn from Maji sir today. And from Maji sir, I wish to ask that what is the educational perspective in your village, and what type of thinking is there of the people, those who are living in that particular area, towards education? Firstly, I want to give the name and good afternoon to my elder and our Dr. Pooja. This village where I was working in Keifang, according to the census of 2011, the total number of household was 990, and the total number of population was 5,000. So most of the people, so their main income is from the cultivation, jhum cultivation or sitting cultivation. So this
is an interior place. Previously, this was very interior place. When I joined here in 2007, there was no good communications in Adar. And there was the only one government school, that is my school. And there was the two schools run by the church, different types of the church. So the church, this church had a great role in the state of the education system in Mizoram. And most of the people, they want to send their children to their school. And from the beginning of the age, that's why the number of schools in every place are more with respect to the, our plain area. So, yeah, but the due to their government budgets and others are very less. They get very less budget from the central government due to the less population. Even today, the population is only the 13.32 lakhs in whole Mizoram. So you can expect that this. So when I have joined in my school, there was no good buildings and good facilities, good things, everything. And most of the students who are rich, they send their students to the English medium school, that is where the education was in the English medium. But in the primary level, the schools are government primary level. In the schools are run by the local language, that is Mizo. But the parents, they want to send their children in the English medium schools. And the students who are very poor, most of the villagers are very poor, they send their children to our school. So maximum most of the parents, they send their students to the children they to get the good education here, madam. Yeah, thank you so much, sir, for sharing the characteristics of your school and how you have improved the situation of your school from 2007 to the current situation. And sir, so, madam, yes, please. So, madam, what I have said that seriously the building was not good and everything that when I joined, I thought that I want to do something in my mind that I want to do something for this village people. Because most of the villagers are very poor. And the students who come to our school, they are from the poor family. Even they did not get the two times food and others. So I discussed the teachers first. Then I called the parents in my school. I discussed with them why they are not sending their students in our school. And the number of students were very less. So I see that the facilities which the most of the students they get from the private school, they did not get from the our schools, the government schools. All the facilities which are very necessary to get a good education. Means I want to try to give them the good education, to make the good educational environment in our schools. So actually in the beginning of my joining in that school, I faced so many challenges. But I tried to solve all the problems. I have got the challenges first from our own staff who were working for a long time in that school. Because they thought that it's not possible to make the good buildings, to make the good facilities and others. And then after that, I met the local government village people's leaders, that is the Pradhan or Mukhiya of that village, political leaders, and also the MLAs from that locality. I also met the directors of school education, the directors of the SCRT to help me. And I also said my view to make the school good in that area, to give all the facilities to the students who are getting the facilities from the English medium schools or the private schools, where the students from their means who are economically good students going. So after that I got so many help from the government, and in 2011 I got
from the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, RMSA, a building, good building. And also from that, again, I got some from the NLCPR funds by requesting your MLS and others. I got the one girls hostel there, and here this is schools. I try to give them the facilities, good modern library, good science laboratory. Please show the next slide. And different types of things. I also try to give them the computer. Where I got the help from the SAT director Sri Monsoon Thangi, who helped me by supplying the computers and others, and also the projectors and others, where I made the one smart classroom. But madam, one thing I am saying that for make these things, I did not get any means funds from the government side. Only sometimes we would get from the annual grant from the RMSA, and it is not possible to for the government also to give all the time. So I discussed with the parents and with the politicians of the local politicians of the village to help me to make all the things. They also take so many interest about this. When I called them, when I took the meeting from the village people and also the parents, I made the so many times made the parent teacher meeting and also the politicians meeting capacity. Then when we inform them, when we arise my all the views to make the school good, building and other, they help me so many times. They contribute the even by financial year also they contribute. Even when I inform to the teacher, they also contribute from their salary. Even myself also contribute for half of my salary sometimes for the developing of this school. Without the help of the community, it's not possible that the school is... You are absolutely right, sir. Community engagement is very important for the enhancement of the school education, and as well as for the we can say the status of the school and the involvement or participation of the child in the school education. So basically, Rahul ji, मैं भी ये देख रहा हूँ अभी उनकी चीज efforts देखे हमने जो the condition of the school जो initially था फिर उनके join करने के बाद काया पलट हुई उसकी थोड़ा challenges थे ऐसा नहीं है कि challenges सभी जगह होते हैं but as we learned from sir enhancement of child participation in educational collaborative efforts are required from all fronts. And I'm sure from the people from every walks of life. और सबसे अच्छी चीज जो मैंने अभी उनके इंट्रोडक्शन में देखी, the literacy rate of village is 97.35. यानी overall जो state है उससे भी ज़्यादा है उस particular village की जहाँ पर वो रहते हैं. क्योंकि as well की अगर हम बात करते हैं capital city की हम बात करते हैं तो that is 95.84. उससे भी ज़्यादा है village की. Right. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. So my question is why family and community engagement matters in the school turnaround. Yes. उसकी क्या इतनी ज़रूरत है ये मैं. So basically जो community engagement है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि it can be considered as important vehicle for the participation of students or promoting education in any particular state. And we can say that it can involve different stakeholders for problem solving or decision making and promoting the quality of education of a child. And if we talk about Indian scenario, we can see that community participation can enhance the participation of the child in the school, or it can also reduce the dropout rates, or it can also improve the school functioning as well. So, in this perspective only, sir, I wish to ask that we know that the parents also participate in the process of the school education, that will enhance the quality of the education of a child. Then how you are involving parents in this particular process, because you have already shared that you have involved the community members and you have improved the situation of your school from 2007. Then just we want to know that what kind of strategy you are using to involve parents in this process. Correct, madam. In this matter, yes, in the Mizoram, the people are the different types. We cannot compare. Sometimes you see in the other states, I am also from the Jharkhand state, working in Mizoram.
But I have seen also that in like here, in every village there are so many schools. And the people, due to the educated highly literacy rate, the people are keep the too much interest in this matter. They never depends on the government also. They if the school needed, they give support financially or also manually. So, and another thing, here we make to make the good education. We try to give the good education. So every person, the villagers, the parents, they also visit the schools. Not only sometimes, but they ever do. And we try to give the good, what are the, means they see the deficiency of the school. They change the, what they want the highly qualified, means highly qualified teacher. For that, they go to the their local MLAs, they request them. So if the school also needed the funds and other. And I also try my best level to give the good education. For that, we conducted the different types of the tests, and also we made the teacher's duty to go to the to visit their students' parents' students' house to see their economically how they are strong and what is their problem. They also discuss about the parents and try to help them. During the examinations and other, also we visit the students' house. We make the night visit sometimes. In the morning also we visit the students. And during the examination also, we make the so many test faculties and also the other things. So we just want to make the quality, to increase our quality of the education in that process. We help the students. And also teachers also make the, without any fees and fines, without expecting anything, we make the extra classes and the other things by which the students also increase. They share their weakness, they share their subjects which they could not understand and other. Here, Rahul ji, I wish to share one research with you that Joyce Epstein has also proposed some ways through which they can involve the parents, like parenting, communicating, volunteering, learning at home, and decision making, collaborating with the community. These are the ways through which the parents can be involved. And sir has also shared some of the ways, like through SMC they are involving. And naturally, the involvement of the parent definitely create an impact on the child understanding, and not only on the cognitive understanding, as NAP also focuses that not only cognitive understanding is important, but the creative and the critical thinking is also important. So on the same track, I wish to ask from the sir that since NEP 2020 is also focusing on the development of the socially economically deprived children, SEDGs. So what type of strategies and what particularly you are doing for the weaker section of the society? Yes, madam, this is a very good question. Firstly, we divide the students into the two types means who are socially background, means weaker section. The one is economically, and another is who are weak in study. So those who are weak in study, we know from their different tastes. Then we make them special education. We give them the special education. For that we arrange them. We find out that their weakness in that which subject. And particularly that subject, we give them special education after the school hour. Sometimes in the morning session, sometimes in the afternoon session. And even in the holiday also, in Sunday, in Saturday. Saturday, Sunday is our holiday. So in the Saturday, we call them. And secondly, those who are economically background, we try to involve them. We try to find out their problems. We visited their house, we talked with their parents. What are the problems? What kind of the needs they want? We did not take any kind of the admission fees and other. Sometimes we help them by giving them the uniform, from collecting the money from the teachers and others, from the society and other people, and help them. Sometimes we give them the uniform, all types of the books and others, we collect from the students who pass out. Then we keep in the school and help them. In this way, all the we help, try to help the
4 students to run their education. So these are the great ways to help out the weaker students by arranging the classes, the timings of the classes, yes, from morning shift to evening shift. Mm. And along with this, sir, I wish to ask that you are also using the smart classrooms to provide the ICT related or digital learning to the children. So what is that particular initiative which you have taken? Madam, this is also previously when there was no smart classroom in our school. The teachers cannot give the concrete idea of any subject in the students. I think you know that the student's mind is totally open in the art. So whatever they see, that if you show them the, in the pictures and others, they will get the concrete idea of that. Suppose I want to teach structure or atomic knowledge. So what is the atoms? When one teacher is going to teach, without showing them the pictures and others, it's very difficult to get the concrete idea. Only they remember by heart that one. And without understanding, they go through it and also write in the exam. But when I make the this smart classrooms and other, the teachers, they are also very take too much interest to teaching in the smart class, because it's very easy to give the good idea, concrete idea to the students. The students also cannot forget about this method. They also got the idea about any subject. In language, in every subject, they can got the good idea. In language, suppose the ancient period of the Mizo society, how was the Mizo society, what was the culture in the beginning of the stay in Mizoram. So at that time, when we collect some pictures from that old books and the library and show in the smart classroom, at that time, it's very easy to teach them in the Mizo language, in the other language, in the social science and others. So it helps the smart classroom, helps the students to grow and get a concrete idea. And once the students get the concrete idea, it's very difficult for them to forget it. And they also make the good results in the exam. Yes, sir, you are absolutely right that the visual studying, like in our time, that thing was not there. Yes. Yeah, but जब हम visually किसी चीज को देखते हैं तो हमारे mind में वो exactly fit हो जाती है, और अगर हम भूलना भी चाहें तो उसको हम नहीं भूल पाते हैं, ये चीज होती है. And sir, here really we wish to appreciate that the kind of efforts which you have taken, because in village it is not easy to arrange all these things for the kids and right. for their understanding. Understanding. Mm-hmm. And we really appreciate for your decision and for your the motivation which you have taken for the universalization of the education. This is really very important. And along with this technological area, we wish to ask that how it is important to inculcate the social values also in the children. So how you are doing that in your particular school? Very good questions, madam. Because school is only the one place where the students get all kinds of the education. And students, most of their time they spend in the schools. So they get most of the education in here through the curriculum, through the teachers and their friends. So I think we lost his connection. And due to less bandwidth, I'm yes. sure we are not getting yes, his yes. voice. Yes. जो भी examples अभी हमने देखे और ICT की जैसे उन्होंने बात की, देखिए बहुत मुश्किल होता है. हम यहाँ पर ही देखते हैं कि आज भी कई बड़े शहरों के भी ऐसे शहरों की भी फार फ्लंग एरियाज की यदि बात करें तो वहाँ पर स्कूल्स में ऐसी सुविधाएं नहीं है जो उन्होंने मिजोरम जैसे स्टेट में कोशिश की और बच्चों के लिए ICT की व्यवस्था की. तो ये सारी और ये सब चीजें राहुल जी तभी पॉसिबल हो पाती हैं कि लीडरशिप अगर स्ट्रांग है. स्ट्रांग के साथ साथ उन्होंने एक जो कम्युनिटी का क्रिएट किया पूरा जॉनर की आप सब एक साथ को लेकर आना, पेरेंट का जो उन्होंने बनाया, क्योंकि लीडर का सबसे अहम रोल ये अहम हिस्सा है कि सभी को साथ में लेकर चलना. शिक्षाविद तो है ही, लीडर भी है. बिल्कुल सही कहा आपने. इस प्रकार के और हमने जो अभी अपने शोज किए हैं, पहले जो हमने स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने केरल का भी एक उदाहरण देखा
वहाँ पर भी कम्युनिटी का जो रोल था वो उन जो वहाँ पे टीचर थी उनका रोल बहुत अहम था. उन्होंने जैसे बच्चों की पीटीएम होती है ऐसे ही उन्होंने सिर्फ पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराया जिसमें बच्चों का रोल नहीं था. ओके. तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें, अब चूंकि यहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर भी है क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे बाहर के भी हो जो ट्रांसफरेबल जॉब में हो या उन्हें जरूरत हो, तो उस प्रकार की चीजें कैसे इन्होंने काउंटर की होंगी ये जानने के योग एक मतलब उत्सुकता थी कि कैसे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एनईपी की आपने जैसे बात की उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है कि किसी भी बच्चे को भाषाई स्तर पर या किसी अपने सामाजिक स्तर पर कहीं कोई वंचित ना रह जाए, वो कुछ उसका रह ना जाए, इसको भी इंश्योर करना टीचिंग का ही, टीचर जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो लीडर्स हैं उन्हीं का ही रोल है. जी जी. तो इस प्रकार की जो आप कहेंगी कि आप पर्सपेक्टिव ऑफ अचीविंग लर्निंग आउटकम्स जो है उसमें यदि हम स्कूल हेड्स की बात करें तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने सोच रखा है इनकी जर्नी देखने के बाद? क्योंकि यहाँ पे सर हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट की और लीडरशिप टू लीड द कम्युनिटी एंगेजमेंट, किस तरीके से लीडर जो है कम्युनिटी को एंगेज कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उसका प्रोएक्टिव होना. प्रोएक्टिव होने के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर लीडर एंड द स्कूल लीडर टू टेक इनोवेटिव टू अडॉप्ट इनोवेटिव स्ट्रेटजीज और द टेक्नोलॉजीज. जैसे कि हमने माजी सर को देखा किस तरीके की टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहे हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी उन्होंने एसएमसी के द्वारा या पीटीएम के द्वारा जोड़ रखा है, और वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं जो सोशली बैकग्राउंड जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो वर्क कर रहे हैं. सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और द to take care of the developmental needs of the child or to enhance the participation of the children in the education, it is very important to take the collaborative action. जहाँ पे कि school जो है वो stakeholder से communicate करता है या parents से communicate करता है, community members से communicate करता है. So in this way, student are also getting a chance to interact with new learning community. So we can say that the leader must be collaborative in nature. हमारे सभी दर्शकों के साथ एक हिमाचल का भी हमने प्रोग्राम किया था, उसमें एक्सपर्ट थे जो कम्युनिटी एंगेजमेंट था उसमें उन्होंने फंड भी खुद अपनी तरफ से इकट्ठा किया. जो लोग थे वहां पर उनके पूरे जिले में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और जीर्णोद्धार जैसे हम कहेंगे उस स्कूल का उन्होंने किया, और तमाम सारी बिल्डिंग्स को, उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी जर्जर जैसा कि हमने देखा कि 2006 में कैसे इस स्कूल की स्थिति थी, उसको न सिर्फ बेहतर बनाया बल्कि बच्चों के लिए ऐसा बना दिया कि वो अब वहां आना चाहते थे. तो जो स्कूल ड्रॉप आउट थे जब स्कूल रिनोवेट हो रहा था वो भी ग्रेजुअली बढ़ रहा था. कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात यहाँ पर इसलिए भी करनी होगी क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि आस्था सर्वोपरि है, लेकिन आस्था के साथ साथ एक आत्मविश्वास जैसे हम कहेंगे अंधविश्वास भी थोड़ा सा रहता है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ने नहीं जाना है, या कोई अगर जा रहा है तो उसको रोकना किस तरीके से है, तमाम सारी चीजें होती है. तो यहीं पे ही राहुल जी यहीं पे ही रोल आ जाता है स्कूल लीडर का कि माइंडसेट को चेंज करना है. जैसे कि हम बात करते हैं जो रूरल एरियाज में जनरली जो लोग रहते हैं तो वहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स वाली जैसे आपने बात करी वहाँ पे जो माइंडसेट है लोगों का वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है. अगर हम गर्ल चाइल्ड की ही बात करते हैं तो वो गर्ल चाइल्ड को इतना प्रमोट नहीं करते हैं एजुकेशन के लिए. तो वहीं पे ही लीडर को जरूरी है कि इनिशिएटिव लेना, अपने टीचर्स की कैपेसिटी को इस तरीके से बिल्ड करना ताकि वो या उन पेरेंट्स को समझाए या घर घर जाके एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है उसको डिसेमिनेट करें या सबको बताएं. बिल्कुल. ड्रॉप आउट्स को जब उन्होंने बढ़ाया, मैंने हिमाचल का आपसे उदाहरण दिया, केरला का या अभी मिजोरम की भी हम बात करें, क्योंकि 97.35 यदि वहां की लिटरेसी रेट है उस विलेज की, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ही जबरदस्त होगा. उनके बीच में जो सामंजस्य है वो बिल्कुल अतुलनीय होगा कि सब बच्चे जो है वहां पर जाकर पढ़ें. और मैंने एक और बात भी महसूस की है, जब हम कभी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा करते हैं या उन कलाकारों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, उनकी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में रुचि है, हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक हमारी समृद्ध परंपराएं, हम मुझे लगता है हमें कहना चाहिए, उसमें उनका इंटरेस्ट उतना ही रहता है जितना कि अपने एकेडमिक्स में रहता है. तो बच्चे, अभी हमने अपनी राष्ट्रीय कला उत्सव की भी यदि हम बात करें, उसमें बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आए, उन्होंने बहुत सारे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है. और मैं अपना खुद का यदि एक तजुर्बा मैं साझा करूं तो वहां पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो वहां के ही सामान जो वहां पर उपलब्ध है, चाहे वो लकड़ी है या कोई रॉ मटेरियल, उसी से वो बनाया भी गया है.
तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें वहां पर काफी अच्छी होती हैं, और मिजोरम के बारे में हमने जितना भी जाना वो बेहतर था। और तो जैसे कि सर आप बात कर रहे हैं, राहुल जी बात कर रहे हैं कि मतलब लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों का उतना ही इंटरेस्ट है, तो यही एनईपी 2020 का भी फोकस है कि सिर्फ हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात ना करें, बच्चों का जो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बच्चों को हर एक चीज का ज्ञान होना या उनमें इंटरेस्ट को डेवलप करना, यही टीचर की ड्यूटी है या टीचर या स्कूल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि हम बच्चों को स्टडीज के लिए ही प्रेरित करें या बच्चों को सिर्फ एजुकेशन की तरफ ही लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स नॉलेज ही हम बच्चों को दें, बल्कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा, जैसे कि हम सर से भी अभी बात करना चाह रहे थे कि किस तरीके से हम जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू चली आई है वो बच्चों में किस तरीके से इनहेरिट करें या डेवलप करें। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, और यहाँ पर देखिए हमें अपने जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अपने देश की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का भी यहाँ जिक्र करना होगा। आप यदि एक पिछला कुछ समय देखें, पिछले 2-4 सालों का, तो सांस्कृतिक स्तर पर हमारी जो समृद्ध, एक तरह से कहना चाहिए सांस्कृतिक धरोहर है, उसको न सिर्फ बढ़ाया जा रहा है, लोगों में उसके प्रति आदर बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। उसी में एक जो है हमारा इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें क्या होता है कि जो 2 राज्य हैं भारत के, संभवतः वो दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, और उनका पैर बनाया जाता है। इसी प्रकार से हरियाणा का पैर जो है तेलंगाना के साथ बना हुआ है। अब हरियाणवी भाषा जो बोल रहे हैं बच्चे, जब वो तेलंगाना जाएंगे, वहां का खान पान देखेंगे, वहां का पहनावा देखेंगे, वहां का रहन सहन देखेंगे, और वहां की भाषा सीखेंगे, बोली सीखेंगे, वहां का इतिहास जानेंगे, तो और फिर वही चीज तेलंगाना के बच्चे हरियाणा में आएंगे, वो क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो कि यहाँ इनका खान पान कितना स्ट्रांग है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि मेडल टैली में सबसे पहले हरियाणा का ही नंबर आता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो अवधारणा है वो इसलिए भी यहाँ पर एनईपी को बल देती है कि कैसे भारत एक दूसरे को जाने, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक समरसता की भी बात आती है, सौम्यता की बात आती है, आपसी भाईचारे का हमारा देश रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो तमाम सारी चीजें यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की जैसे हम बात कर रहे हैं, वही सारी चीजें मुझे लगता है जो माजी सर के साथ जब हम बात कर रहे थे उनके अप्रोच में मुझे वो सारी चीजें दिखाई भी दी कि वो खुद जो है अपने आप चेक कर रहे हैं और अपने आप सफाई कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी। मुझे लगता है कि तमाम सारी बातें आज हमारी उनसे होनी थी, लेकिन चूंकि तकनीकी खराबी कह लें हम, या शायद वहां नॉर्थ ईस्ट में मौसम ठीक ना हो, जिस वजह से हमारा कनेक्शन उनके साथ टूट गया। क्योंकि सर हम जैसे कि हम लीडरशिप प्रोग्राम की ही बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से माजी सर से हमने उनसे हमने सीखा कि जो लीडर है वो हर एक को अपने साथ लेके चलता है और किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता है। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि 2007 में जिस तरीके की स्थिति थी स्कूल की, और 2011 में उन्होंने स्कूल का जो रूप है बिल्कुल ही बदल दिया है, तो उसके लिए ये हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर कम्युनिटी एंगेजमेंट की हम बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोकल जो लोग हैं उनके डायलेक्ट को, उनकी लैंग्वेजेस को समझना, उनसे आपसी तालमेल को बढ़ाना, कनेक्ट करना अपने आप को, और साथ ही साथ अपने टीचर्स जो हैं उनको भी इस तरीके से ट्रेंड करना कि ताकि वो कम्युनिटी के मेंबर से जाके मिले, उनको इन्वॉल्व होने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स हिचकते हैं, उनमें हेजिटेशन रहता है, क्योंकि वो कई बार ऐसा भी है कि पीटीएम में नहीं आते। अगर हम परसेंटेज भी आइडेंटिफाई करें तो हम ये देखते हैं कि जो पीटीएम अटेंड करने वाले पेरेंट्स हैं उनका भी कई जगह परसेंटेज काफी कम देखा जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको इनिशिएट करें या स्कूल लीडर इस तरीके से अपनी टीम को तैयार करें ताकि वो आगे जाके कम्युनिटी के हर मेंबर को, लाइक पेरेंट्स हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि कई बार बच्चों को नई स्किल देने के लिए भी, अगर कोई पेरेंट पर्टिकुलर शिक्षा में महारत हासिल है उनको, अगर जैसे हम म्यूजिक की ही बात करते हैं, तो वो स्कूल में उनको इनवाइट करके बच्चों को उसका ज्ञान दिया जा सकता है। इन द सेम वे अगर कोई पेरेंट टॉय मेकिंग में एक्सपर्ट है, दे कैन ऑल्सो बी इन्वाइटेड, एंड दिस न्यू स्किल कैन बी लर्न बाय द चाइल्ड। सो इन दिस वे कम्युनिटी एंगेजमेंट इज वेरी हेल्पफुल एंड दैट क्रिएट्स अ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट अगर बच्चे में होगा तो वो नेचुरली अपने आप एजुकेशन में इन्वॉल्व होता जाएगा और किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा और स्वतः ही वो ग्रो करेगा, नर्चर भी करेगा। चलिए हम अपना जो कार्यक्रम है उसे अपने कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलते हैं। स्कूल हेड्स के लिए आपका मैसेज क्या कहना चाहेंगे? मैसेज जो हम अभी बात कर रहे थे कि कम्युनिटी एंगेज अगर
एंगेजमेंट अगर लीड करना है लीडर्स को तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्चुअल जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको समझना, क्योंकि अगर हम अपने जो रीजन है उसके पर्टिकुलर चैलेंजेस को नहीं समझेंगे या उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तो किस तरीके की स्ट्रैटेजीज उनके लिए यूजफुल हो सकती है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या डिस्कवर नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्चुअल रिलेटेड स्ट्रैटेजीज और प्रोएक्टिव होना, जैसे कि मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ उनका जो माइंडसेट है कोलैबोरेटिव होना, हर किसी के साथ कोलैबोरेटिव होके ही वो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे. बिल्कुल. तो स्कूल हेड्स के लिए चुनौतियां कम नहीं है लेकिन जो उसके आगे के परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, बहुत ही ज़्यादा सुखद है, और एक अच्छे भारत की जो हमने परिकल्पना की है वो जल्द ही साकार होती नजर आएगी. स्कूल हेड्स पर आधारित हमारी ये पेशकश हम यहीं समाप्त करते हैं. डॉक्टर पूजा, आप यहाँ तक आई, आपने आज का सेशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका. थैंक यू. और जयंत नाथ माजी जी का भी हम धन्यवाद करेंगे, हालांकि उनका कनेक्शन हमारे साथ विच्छेद हो गया है, टूट गया है किसी कारणवश, फिर भी हमारा धन्यवाद उन तक प्रेषित हो, दिल्ली से मिजोरम तक पहुंचे ऐसी आशा रहेगी. इस प्रकार की हम हमारी जो पेशकश है हम लेकर आते रहेंगे, और स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम में इस प्रकार के जो राज्यों में कार्य हो रहे हैं उनको आपके साथ साझा करने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा. मैं अपनी पूरी टीम के साथ विदा लेता हूँ, ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार.